अस्सलामु अलैकुम खादिन हजरात, सीनियर्स जूनियर्स और मेरे अजीज़ स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 91 है और आज से हम शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है जनाब, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस कहते किसे हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? यहां पे आपको पहले दिखाया गया है कि जब कोई सब्जेक्ट फिक्र के काम करने वाला हिस्सा फाइल अगर वो खुद काम करता है तो ऐसे जुमले को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट यानी फाइल के ऊपर काम हो रहा हो, उससे काम करवाया जा रहा हो, वो वर्ब को या काम को रिसीव कर रहा हो, तो ऐसे में उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारे पास स्टोरीज बयान करने में भी इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, और जहां पर सब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट है, जो मफूल है जिसके ऊपर काम हो रहा है, अगर वहां पे वो ज़्यादा अहम हो तो फिर हम फिक्रे को पैसिव वॉइस में कहते हैं। बात लंबी हो जाएगी, चलिए जी देखते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तीन ऐसे चेंजेस हैं जो कि हर टेंस में होंगी, किसी भी टेंस का फिक्रा एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त आप ये तीनों चेंजेस लाजमी करेंगे। पहला चेंज, एक्टिव फिक्रे का सब्जेक्ट पैसिव फिक्रे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा, एक्टिव फिक्रे यानी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये आपने, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, आप लोगों ने ये रट्टा लगाना, ये तीनों चीजें आपने जहन में बिठा लेनी है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, मिसाल के तौर पर अगर वो एक्टिव है और उसमें आई है तो पैसिव में ये आई मी बन जाएगा, एक्टिव का वी पैसिव का अस बन जाएगा, एक्टिव में यू है तो पैसिव में भी यू ही रहेगा, एक्टिव में ही पैसिव में हिम बन जाएगा, एक्टिव में शी हर बन जाएगा, एक्टिव में इट हो तो पैसिव में भी इट ही रहेगा, एक्टिव में दे हो तो पैसिव में देम बन जाएगा, जबकि नाम चेंज नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह ये पैसिव में भी, अगर ये पैसिव में ये बाएं तरफ वाले आई वी यू ही शी इट और दे हो या नाम हो तो पैसिव में वो ये दूसरे वाले बन जाएंगे। खैर, मैं आपको ये रूल बता रहा हूं, हो सकता है आप थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको मिसालों से एक एक टेंस अलहदा अलहदा आपको समझाऊंगा, और ये वाले वीडियोस जो हैं टेंसेस के मुकाबले में छोटे छोटे होंगे, 2 से 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने पहले टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो आप बार बार देखें, इसको अपने नोट्स में लिख लें, नोट्स भी बार बार पढ़ें, वीडियो भी बार बार देखें, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मेरे जो फ्यूचर वाले वीडियोज़ हैं आते हुए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा कि हाँ भाई सर इदरीस ने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।